नमस्कार दोस्तों, मेरा ये आज का वीडियो जो मैं बना रही हूँ ये आप में से उन लोगों के लिए है जिनको आर्थिक समस्या घेरे रहती है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किलों में पड़ते हैं और सिर्फ आर्थिक समस्या को लेकर। जिनके घर में पैसे आते तो हैं, आपके यहाँ कमाई भरपूर है और आप कमा भी रहे हैं, लेकिन पैसे आपके यहाँ बच नहीं रहे हैं। आपकी लाखों कोशिशों के बावजूद आपको आर्थिक समस्याएं परेशान करते रहती हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो मेरा आज का जो ये उपाय है, मेरा आप जरूर अपनाइए। ये उपाय एक उपाय इतना बड़ा है तो छोटा, पर उसके असर इतने बड़े हैं कि आपको आर्थिक समस्या वाली मुश्किलों से मुक्ति दिला देंगे। तो जो मेरा उपाय है आज का, वो दक्षिणावर्ती शंख का। मैंने पहले भी बताया है लोगों को वीडियो में, अपने लाइव में बताया है कि दक्षिणावर्ती शंख से लक्ष्मी प्रयोग कितने अच्छे होते हैं और कितने असरकारक होते हैं। तो इस वीडियो में जो भी प्रयोग जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसको उसी विधि के द्वारा संपन्न करिए और उसके बाद आप उसका रिजल्ट देखिए सिर्फ और सिर्फ 30 या 31 दिन में। 30 से 31 दिन तक के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। तो ये उपाय ऐसा है कि आप एक दक्षिणावर्ती शंख जब भी कभी रवि पुख नक्षत्र या गुरु पुख नक्षत्र पड़ रहा हो तो आप एक दिन पहले दक्षिणावर्ती शंख खरीद कर अपने घर ले आइए और उसको रख लीजिए। फिर जब ये गुरु पुख या रवि पुख नक्षत्र जिस दिन हो उस दिन एक पटे पर लाल कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रखिए और उसकी पूजा करना शुरू कर दीजिए। विधिवत उसकी पूजा करिए, धूप चंदा नक्षत्र भोग सब करिए और पूजा करते वक्त का एक मंत्र है छोटा सा, उस मंत्र को जरूर बोलिए। और वो मंत्र इस तरीके से है, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। सिर्फ इतना छोटा सा मंत्र है, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। इस मंत्र को 108 बार इसका उच्चारण करिए और उसके बाद उस शंख को फूल चावल के दानों से भर दीजिए। ध्यान रहे चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, चावल के सारे दाने सही हों। फिर उस चावल के ऊपर एक का सिक्का रखिए, एक हल्दी रखिए गांठ वाली और एक सुपारी रखिए। और ये सारी सामग्री लाल कपड़े के ऊपर रखने के बाद, शंख के ऊपर उस लाल पूजा के बाद लाल कपड़े सहित समेट करके लपेट करके उसको आप अपने भगवान वाले कक्ष में या तिजोरी में जहाँ भी पैसे रखते हो उस जगह पे शंख को आप रख दीजिए। और फिर प्रतिदिन अगरबत्ती धूप से उसकी पूजा करिए और जब भी पूजा करिए प्रतिदिन तो मंत्र यही होगा, ओम लक्ष्मी सहोदराय नमः। ये मंत्र 108 बार एक माला प्रतिदिन आप जाप करिए 30 दिन तक। आप स्वयं मुझे यहाँ पर आके बताएंगे कि हाँ, हमारी आर्थिक समस्याओं का निदान हो रहा है और हमें फर्क पड़ रहा है। क्योंकि आज तक मैंने जिस से ये पूजा करवाई है या जिनके दुकानों में ये शंख रखवाए हैं और पूजा करवाई है, उनकी प्रगति को कोई भी बाधित नहीं कर पाया है। तो आप लोग ये उपाय करके आप स्वयं अपने हाथों अपनी परेशानियों को समाप्त कर लीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।